अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान जावेद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम विज़िट करेंगे डोमिनोज़ का किचन। सो सीन कुछ इस तरह से है कि ये है डोमिनोज़ की एमएम आलम रोड लाहौर की ब्रांच, और आज है 27 अप्रैल और इनका है रीलॉन्च। नाउ डोमिनोज़ हैव मोर स्पेस और इनका आज हम इवेंट करने आए हैं, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके किचन का विज़िट किया जाए। आज इनके किचन का विज़िट कर सकते हैं और आपके साथ वीडियो शेयर कीजिए। सो किचन इनका बहुत ही साफ़ सुथरा था और इनका जो स्टाफ है वो भी काफ़ी एनर्जेटिक था। ये एक ऑर्डर रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं ये ऑर्डर पैक कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इनका दिखाऊंगा लाइव पिज़्ज़ा मेकिंग, कि ये लाइव पिज़्ज़ा किस तरह बनाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब पिज़्ज़ा मेकिंग हम देखते हैं। पिज़्ज़ा मेकिंग में सबसे पहले इन्होंने पैन के अंदर ऑयल डाला है, डो रेडी होने लगी है। डो रेडी होने के बाद हम देखते हैं कि ये क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डालते हैं, क्या चीज़ें ये यूज़ करते हैं डो ये बना रहे हैं। साथ ही मेरे यहाँ पे डिफरेंट वेजेस और डिफरेंट चिकन के टिक्का और बीफ की डिफरेंट पड़े हुए हैं, चीज़ भी पड़ा हुआ है। डो इनकी रेडी हो गई है। डो रेडी होने के बाद ये पिज़्ज़ा सॉस डाल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब डो के अंदर ये चीज़ डाल रहा है, चीज़ डालने के बाद इसके अंदर ये वेजिटेबल्स डालेगा। ये आप देख सकते हैं ऑनियंस डाल रहा है, ऑनियंस के बाद ये कैप्सिकम डाल रहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ भी है और यहाँ पे डिफरेंट टिक्का के फ्लेवर्स के चिकन हैं, बीफ भी है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है तो ये टिक्का की टॉपिंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये जलेबिनोज़ डाल रहा है। मुझे पर्सनली पिज़्ज़े में ऑलिव्स और कॉर्न बहुत पसंद है, ये ऑलिव्स भी पड़े हुए हैं, ऑलिव्स भी ये डाल रहा है। और इसके बाद आई गेस ये दोबारा से इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करेगा ताकि पिज़्ज़ा थोड़ा सा चीज़ी हो। और ये देख सकते हैं आपके ये चीज़ की टॉपिंग कर रहे हैं। नाउ दिस पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू गो इन द ओवन, और बहुत ही मज़े का होने वाला है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बनने के बाद भी ऑब्वियसली अच्छा होगा। और डोमिनोज़ की मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि ये हर घंटे के बाद एक एक्टिविटी करते हैं अपने स्टाफ को बूस्ट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ, ये आप देखें ज़रा। सो फाइनली इन्फ्लुएंसर्स आर हेयर, सो हमारी जो टीम है वो उनको कवर कर रही है। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर। सो एम्बियंस कुछ इस तरह से, इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पे हैं, और फर्स्ट फ्लोर का इनका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कि इनका इवेंट है, लाउंज है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका इवेंट रहा और बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट रहा। मुझे भूख काफ़ी लग गई थी तो मैंने सोचा कोई पिज़्ज़ा खाया जाए, तो ये थिन पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अगर आपको आज का पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।